बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 का, बायोलॉजी का, डेवलपमेंट ऑफ चिक। ठीक है, तो जब हम चिक की बात करते हैं कि जब चिकन जो है वो एग ले करती है तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, इंक्यूबेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, और फर्दर जो उसके अंदर सेल डिवीजन है वो कैसे होती है, और फिर जाके चिक जो है वो 21 डेज के अंदर हैच्ड होता है और उसकी डेवलपमेंट जो है वो कम्प्लीट हो जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब चिक जो है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मटेरियल है उसके अंदर क्या होगी जी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन जो है हमेशा इंटरनली होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो चिक एग होता है, चिक एग उसके अंदर क्या होती है जी, उसके आउटर कवरिंग्स होती हैं, आउटर कवरिंग्स होती हैं। ठीक है, जो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट रखती है। सो चिक एग के अंदर पहले आउटर कवरिंग्स बनती है वाइट पर शेल्स की तरह, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। इसके अलावा फिर क्या होता है, चिक जब एग लेट कर देती है फिर डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है, रुक जाती है। डेवलपमेंट सीज, ठीक है। लेकिन फिर एग जो है वो क्या होता है जी, एग को रखा जाता है टेम्परेचर पर, ऑफ द मदर, यानी जितना उसकी मदर का टेम्परेचर है वो उसको क्या करेगी, दबाकर रखेगी, और तकरीबन 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर जो उसको प्रोवाइड किया जाता है। और जब 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, फिर एग के अंदर मजीद डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सेल डिवीजन होती है और उसके बाद एग जो है वो हैच्ड हो जाता है, और ये प्रोसेस हमारे पास होता है इन राउंड अबाउट 21 डेज। इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगी, फिर एग के ऊपर आउटर कवरिंग्स होंगी, फिर जो शेल जो है वो एग के तौर पर लेट किया जाएगा, डेवलपमेंट थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, फिर टेम्परेचर जो इसको प्रोवाइड किया जाएगा विच इज 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके अंदर ये मजीद डेवलप होगा, सेल डिविजन होगी, फिर एग जो है वो हैच्ड हो जाएगा इन राउंड अबाउट 21 डेज। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोसेसेस है, किस तरह से सेल डिविजन हो रही है, क्या चीजें बन रही हैं, और फिर जाके हमारे पास जो चिक है वो डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होती है जी क्लीवेज। जैसे ही इंटरनली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस खत्म होता है, फिर इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है क्लीवेज का। क्लीवेज हमारे पास क्या है, क्लीवेज हमारे पास माइटोटिक सेल डिवीजन है। सो हम कह सकते हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन खत्म होगी फिर हमारे पास क्या होती है जी, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और क्लीवेज हमारे पास क्या है, माइटोटिक सेल डिवीजन है। बर्ड्स एग्स में कोई भी बर्ड है, चिड़िया का अंडा है, कबूतर का अंडा, कोई भी अंडा है, तो उन एग के अंदर जो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है यानी कि क्लीवेज का प्रोसेस होता है वो ज्यादातर होता है ऑन द स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये कहां पर होती है स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये हमारे पास पड़ी होती है ऑन द सरफेस ऑफ योक, इसको हम जर्दी कहते हैं क्योंकि उसी से एक चीज जो है वो डेवलप होता है, ऑन द सरफेस ऑफ योक। और यहां पर योक जो है हमारे पास, योक में हमें पता है कि क्या मौजूद है, एनिमल पोल, यानी हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म, इधर भी साइटोप्लाज्म है, यानी कि सराउंडिंग में क्या है, साइटोप्लाज्म। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बना रहे हैं, स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसके ऊपर हमारे पास क्या होगी, क्लीवेज का प्रोसेस होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। तो सारे बर्ड्स एग में यही प्रोसेस होता है तकरीबन, फर्टिलाइजेशन के बाद स्मॉल डिस्क जो है प्रोटोप्लाज्म की, मीन्स के न्यूक्लियस, और उसकी सराउंडिंग में क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास क्या होगी जी, क्लीवेज का प्रोसेस होगा, और वो क्लीवेज जो कि हमारे पास प्रोटोप्लाज्म पर होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्कॉइडल क्लीवेज, और डिस्कॉइडल क्लीवेज तमाम बर्ड्स एग्स में पाई जाती है। इसके अलावा डिस्कॉइडल क्लीवेज जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, जैसे डिस्कॉइडल क्लीवेज स्टार्ट होती है तो हमारे पास एट द क्लियर
साइटोप्लाज्मिक रीजन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास डिस्कॉर्डेंट क्लीवेज जो है वो स्टार्ट होती है, और फर्दर फिर हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पर सेल मौजूद है, ठीक है, जैसे कि मैं कह सकती हूँ ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पर पहले मेरे पास जो क्लीवेज स्टार्ट होगी, सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, वो शुरू में मेरे पास क्या होगी, वर्टिकल इस तरह से, ठीक है। फिर बाद में फर्दर मैं मूव करती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास फर्दर ये मूव करेगा। इसके अलावा सेकेंड स्टेज में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास हो गई थी जी वर्टिकली क्लीवेज, फिर हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टली जो कि क्या होगी, सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होगी। फिर फर्दर हमारे पास थर्ड स्टेप पे क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर मजीद जो है क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि मेरे पास टू वर्टिकल्स क्लीवेज और आ जाएंगी, ठीक है। और फिर फर्दर फिर ऐसी इसकी शेप हो जाएगी कि ये इरेगुलर हो जाएगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। और मजीद एंड स्टेज पे क्या होगा जी, एंड स्टेज पे ये आपस में बिल्कुल ही मिल जाएंगे, यहां तक के साइटोप्लाज्मिक रीजन में भी फैल जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, ये एंड स्टेज पे हमारे पास जो लास्ट पार्ट में जो हमारे पास क्लीवेज होती है एट दी स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो हमारे पास ये क्या है, एंड स्टेज। एंड स्टेज पे इसमें क्या होता है, एंड स्टेज पे जो क्लीवेज होती है वो क्या होती है, इरेगुलर, इरेगुलर हो जाती है इसकी शेप। इसके अलावा जो नंबर है सेल के, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए हैं, इसकी वजह से इसकी शेप क्या होगी, इरेगुलर हो गया, ठीक। सो ये हमारे पास क्या था, ये था क्लीवेज का प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे पास सेल डिवीजन के बाद जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे और इसकी जो शेप है वो इरेगुलर हो जाएगी। फिर यही से हमारे पास एक और प्रोसेस स्टार्ट होगा और हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बने हैं, जो डिवीजन हुई है सेल की, जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बने, इनको हम कहेंगे ब्लास्टोमियर्स। पहले सेल्स हमारे पास कम थे, पहले वन वर्टिकली क्लीवेज हुआ, फिर हॉरिजॉन्टली आया, फिर तीन आया, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ, यहाँ पर टोटली इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे उन सबको हम ब्लास्टोमियर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लीवेज जो है वो एंड स्टेज पे पहुंचेगा, इसके अंदर डिवीजन जो है वो रुक जाएंगी और इसमें जो सेल्स है वो ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे, जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कहेंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। और फिर यही एंड स्टेज हमारे पास, ये वाली स्टेज जो है वो क्या कहलाएगी, मोरोला, ठीक है। अब मोरोला में क्या होगा, यही हमारे पास जो एंड स्टेज था क्लीवेज का प्रोटोप्लाज्म पर, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर मजीद जो है सेल्स के अंदर इंक्रीजमेंट पैदा होगी और फिर ये क्या हो जाएगी, इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, राउंडेड, राउंडेड स्मॉल मैस ऑफ, राउंड हो जाएगी, इसके अलावा स्मॉल मैस ऑफ सेल्स, और इसके अंदर क्या होंगे जी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स जो है ब्लास्टोमियर्स हो मौजूद होंगे, ठीक है। सो इस स्टेज में हमारे पास जो क्लीवेज का प्रोसेस था उसमें मजीद चेंजिंग्स आएंगी और वो ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे सेल्स हमारे पास, सेल्स आर नाउ कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स एट द स्टेज ऑफ मोरोला एंड द एंड स्टेज ऑफ क्लीवेज, ओके। सो ब्लास्टोमियर्स हमारे पास बन जाएंगे। अब इन ब्लास्टोमियर्स की वजह से, यानी कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स की वजह से हमारे पास एक और चीज जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिसको हम कहेंगे ब्लास्टोडर्म्स, डर्म्स मीन्स होता है लेयर्स। सो हम कहते हैं कि जब ब्लास्टोमियर्स जो है वह इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर लेयर्स भी बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि सेल्स के इंक्रीज होने की वजह से, ब्लास्टोमियर्स इंक्रीज होने के, ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे इनटू द लेयर्स, ठीक है। और ये लेयर्स हमारे पास क्या होंगी, ये लेयर्स हमारे पास होंगी ब्लास्टोडर्म्स, और ये जो लेयर्स होंगी ये होंगी थिकेंड, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स वो क्या है, बहुत ज्यादा है। सो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास लेयर्स जो है वो मजीद टू और थ्री लेयर्स जो है, जिनको हम ब्लास्टोडर्म्स कहने, वो भी प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे। अब हम कहते हैं कि ब्लास्टोडर्म जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारी जो लेयर्स हैं, अब जो जो बीच में जो सेल्स हमारे पास मौजूद है ब्लास्टोडर्म में, ठीक है, जो सेंटर में हमारे पास सेल है, ठीक है, अब जो सेंटर में यहाँ पर हमारे पास सेल होंगे, हम कहते हैं वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये क्या होंगे, डिफाइंड होंगे, जितने ज्यादा स्मॉल होंगे उतने ज्यादा डिफाइंड होंगे, जबकि जो सेल्स क्या होंगे, पेरिफेरी पे होंगे, मींस के कह सकते हैं जी साइड पर होंगे, साइड पे, ठीक है। तो जो साइड वाले सेल्स होंगे वो क्या होंगे जी, लार्ज होंगे, फ्लैटेंड होंगे, ठीक है, ठीक है।
सो ये ब्लास्टोडर्म है, लेयर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास सेंट्रल सेल्स जो हैं वो स्मॉल और डिफाइंड है। इसके अलावा जो पेरीफेरी पर साइड पर जो सेल्स हैं वो क्या है, लार्ज और फ्लैटन है। तो यहाँ पर हमारे पास मोरोला का जो स्टेज है वो खत्म हो जाता है और फिर मजीद जो इसके अंदर कन्वर्जन आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, और हम कहते हैं कि इसके अंदर एक और सेगमेंटेशन कैविटी प्रोड्यूस हो जाती है। पहले हमारे पास सिर्फ लेयर्स थी, लेयर्स के फौरन बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, सेगमेंटेशन, एक और कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी, सेगमेंटेशन कैविटी, एक खला प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम नाम देते हैं जी ब्लास्टोसील का। ठीक है, ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक सेगमेंटेशन कैविटी जिसको हम नाम दे रहे हैं ब्लास्टोसील का। अब मोरोला जो है ये स्टेज हमारे पास बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, मोरोला हमारे पास शॉर्ट लिव्ड है, इसका दौरानिया पीरियड बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ब्लास्टोमेयर्स तो बने होते हैं, ब्लास्टोमेयर्स की वजह से ज्यादा नंबर्स ऑफ सेल्स की वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टोडर्म लेयर्स जो है वो मोरोला स्टेज में बनती हैं, जिसके अंदर स्मॉल और डिफाइंड सेंटर में होते हैं, साइड में हमारे पास लार्ज और फ्रैगमेंट सेल्स होते हैं। और फिर फौरन ही हमारे पास और कन्वर्जन आती है, कन्वर्जन में क्या होता है, कैविटी बनती है, और उस कैविटी को हम नाम देते हैं ब्लास्टोसील का। अब जब ब्लास्टोसील बनती है इस स्टेज को हम नाम देते हैं ब्लास्टुला, यानी कि हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेज है जिसके अंदर हमारे पास ब्लास्टोसील जो है वो बन रही। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लेयर्स थी ऊपर ब्लास्टोडर्म की, जिसके अंदर सेल्स हमारे पास जो है वो मौजूद थे। ठीक है, ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या हुई जी, एक और सेगमेंटेशन कैविटी आ गई है ब्लास्टोसील, ये हमारे पास क्या था, ब्लास्टोडर्म, ये राजी ब्लास्टोडर्म हमारे पास। ठीक है, हम कहते हैं कि बहुत से अभी सेल्स जो हैं जो कि ब्लास्टोडर्म्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जिसको हम ब्लास्टोमेयर्स भी कह सकते हैं, अभी सेल्स भी कह सकते हैं। अब इसके साइड पे हमारे पास क्या है, योक है। तो हम कहते हैं कि बहुत से ऐसे सेल्स जो हैं वो क्या हुए हैं जी, योक के साथ जो है वो अभी भी अटैच हुए होंगे। हालांकि हमारे पास एक और सेगमेंटेशन कैविटी प्रोड्यूस्ड हो जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से सेल्स होंगे जो कि हमारे पास योक के साथ क्या होंगे, अनडिटैच हो जाएंगे, मीन्स के अटैच होंगे, अटैच होंगे विद योक। ठीक है, जो योक के साथ अटैच होंगे वो हमारे पास पॉइंट कहलाएगा जोन ऑफ जंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या पॉइंट कहलाएगा, जोन ऑफ जंक्शन, जहां पर हमारे पास ब्लास्टोडर्म के सेल्स या फिर ब्लास्टोडर्म के ब्लास्टोमेयर्स होंगे वो अटैच हो रहे होंगे विद द योक। ठीक है, अभी भी हमारे पास जो ब्लास्टोला का प्रोसेस है, स्टेज है, वो खत्म हो जाता है और फिर हमारे पास जो सेल्स है उनके अंदर मूवमेंट और उनकी अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाती है। अरेंज तो वो पहले से होते हैं ब्लास्टोडर्म के अंदर और अटैच भी हुए होते हैं योक के साथ, लेकिन अब मजीद जो इसकी रीअरेंजमेंट होती है, मूवमेंट स्टार्ट होती है, और ये हमारे पास जो फर्दर स्टेज आता है उसको हम कहते हैं ग्रास्टुलेशन। सो फिफ्थ स्टेज पे हमारे पास स्टार्ट होता है जी स्टेज गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मूवमेंट होगी एंड रीअरेंजमेंट होगी ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा, फिर हम कहते हैं कि जैसे ही सेल्स के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, वो रीअरेंज होने लग जाएंगे, और वो आपको पता है कि सेल्स जो हैं, जो कि जिनको हम ब्लास्टोमेयर्स भी कह रहे हैं, तो वो ब्लास्टोमेयर्स कहां पर मौजूद है, ब्लास्टोडर्म्स के अंदर, मींस के थिकन लेयर्स के अंदर, और उस थिकन लेयर के नीचे आपको पता है कि ब्लास्टोसील है, एक सेगमेंटेशन कैविटी है, और उधर ही हमारे पास सेल्स जो है ब्लास्टोडर्म के कुछ सेल्स जो है सेगमेंटेशन कैविटी के बावजूद भी क्या हुए हैं, योक के सेल के साथ अटैच हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है जी, अब ब्लास्टोडर्म के टूटने का हमारे पास जो स्टेज है वो शुरू हो जाता है, जिसके अंदर सेल की मूवमेंट होगी फोर्स लगेगी, इसकी वजह से जो हमारे पास ब्लास्टोडर्म है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसके हमारे पास दो जो लेयर्स है वो बन जाएंगी। हम कहते हैं कि जो ब्लास्टोडर्म है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास सेल जो है वो मौजूद है, ठीक है, अब ये क्या होगा जी, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टू लेयर्स हो जाएंगी, एक हमारे पास हो जाएगी अपर लेयर विच नेम एज एपिब्लास्ट, हमारे पास ब्लास्टोडर्म टूट रहा है, ठीक है, दो इसके एंड्स बन रहे हैं, एक अपर लेयर होगी विच इज एपिब्लास्ट, एक होगी लोअर लेयर विच इज कॉल्ड एज हाइपोब्लास्ट। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्ली स्टेज है लेयर्स की। ठीक है, पहले एक लेयर थी विच इज ब्लास्टोडर्म ओनली, अब हमारे पास टू लेयर्स आ गए हैं, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब एपिब्लास्ट के अंदर
मजीद जो है प्रिजम्प्टिव और भी हमारे पास क्या है लेयर्स बनेगी, ठीक है। इसके अलावा हाइपोप्लास्ट के अंदर भी हमारे पास मजीद जो है वो क्या होंगी लेयर्स बनेगी, ठीक है, विच इज प्रिजम्प्टिव मीन्स के फ्यूचर में बनेगी, अभी नहीं बनेगी, प्रेजेंट में अभी हमारे पास क्या है एपिप्लास्ट है और हाइपोप्लास्ट है, ठीक है। तो जब हम आगे चलते जी फ्यूचर की बात करते तो एपिप्लास्ट में हमारे पास जो प्रिजम्प्टिव प्रिजम्प्टिव चीज होगी वो हमारे पास क्या होगी जी, एक तो हमारे पास होगी एक्टोडर्म, जिसको हम कहते हैं जी एक्टो का मतलब है कि हमारे पास जो आउटर लेयर है इसमें हमारे पास प्रिजम्प्टिव आउटर लेयर होगी। इसके अलावा हमारे पास होगी मेसोडर्म, मेसोडर्म हमारे पास वो लेयर है जो हमारे पास क्या आती है मिडल में आती है, मीडियम में आती है, ठीक है। सो एक आउटर लेयर और एक मिडल लेयर जो है जिस मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म ये कहां पर आएगी, ये एपिप्लास्ट के खाते में आएगी, ठीक है। यानी कि जो एपिप्लास्ट का हिस्सा हमने काटा है यहां पर एक हमारे पास क्या आएगी प्रिजम्प्टिव, ये आपने याद रखना है अभी बनी नहीं है प्रिजम्प्टिव है, और एक मेसोडर्म फ्यूचर में आएंगी, फ्यूचर में ये एपिप्लास्ट टूटेगा मजीद और इसके अंदर क्या बनेगी एक्टोडर्म और मेसोडर्म, और जो हाइपोप्लास्ट है इसके अंदर हमारे पास प्रिजम्प्टिव बनेगी एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या है जी इनर लेयर, ये हमारे पास इनर लेयर फ्यूचर एंडोडर्म। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो हाइपोप्लास्ट है उसके अंदर सिर्फ एंडोडर्म ही क्यों है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एंडोडर्म ही क्यों है और जो एपिप्लास्ट में मेसोडर्म और एंडोडर्म दोनों जो है वो क्यों मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास हाइपोप्लास्ट का प्रोसेस है हम कह रहे हैं कि उसके अंदर जो लेयर्स हैं वो क्या है लोअर है, ठीक है, इसलिए हम उसके अंदर क्या है एंडोडर्म को ऐड करते हैं। तो हम कहते हैं कि लोअर लेयर चाहे जितने भी हो लेकिन जो सेल्स होंगे हाइपोप्लास्ट के सेल्स ऑफ द हाइपोप्लास्ट वो ग्रो करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द योक, कभी भी नीचे ग्रो नहीं करेंगे, हमेशा सरफेस ऑफ द योक पे जाकर क्या करेंगे ग्रो करेंगे, और नीचे जो है हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगी, हमारे पास क्रिएट हो जाएगी एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ योक, यानी इंटरनली हमारे पास एक लेयर के अंदर लाइनिंग जो है योक की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और यही वो हमारे पास स्टेज है जहां पर जाकर हमारे पास जो के सेल्स थे ब्लास्टोडर्म के अंदर, ठीक है, इंटरनली सेंटर में जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे ऊपर आ जाएंगे, किस तरह आएंगे कि हमारे पास एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ योक होगी, जैसे ही एंडोडर्मल लाइनिंग स्टार्ट होगी वैसे हमारे पास नीचे एक फ्लूइड जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक फ्लूइड क्रिएट होगा, फ्लूइड डेवलप हो जाएगा, और इस फ्लूइड की वजह से जो तमाम सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे रेस्ट हो जाएंगे ऊपर बढ़ जाएंगे। तो जैसी एंडोडर्मल लाइनिंग होगी योक की वैसे फ्लूइड डेवलप होगा, फ्लूइड डेवलप होगा तो सेल जो है वो क्या हो जाएंगे रेस्ट ऑफ हो जाएंगे और वो योक से क्या हो जाएंगे डिटैच्ड हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, और जब वो सेपरेट होंगे वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइपोप्लास्ट के सेल्स की, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर एंडोडर्म जो है वो मेनली प्रेजेंट होगा इन द प्रिजम्प्टिव मीन्स के फ्यूचर, और फिर हम कहते हैं कि जब एंडोडर्म इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर हमारे पास होगी एंडोडर्मल लाइनिंग होगी सैक की योक की, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो हाइपोप्लास्ट के सेल्स है वो हमेशा ऊपर जगह ग्रो करेंगे एट द सरफेस ऑफ द योक। तो हम कह सकते हैं पहले हमारे पास जो सेल्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे लेकिन फिर एंडोडर्मल लाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी वजह से हमारे पास एक फ्लूइड जो है नीचे डेवलप होगा, फ्लूइड हमारे पास यहाँ पर डेवलप होकर जगह करेगा इसको रेस्ट करेगा, ये सारे सेल्स जो है यहाँ से कहा मूव कर देंगे ऊपर वाली सरफेस पे मूव कर देंगे, जबकि फ्लूइड सेल जो है वो ओवर द योक सरफेस जो है क्या हो जाएंगे माइग्रेट कर देंगे, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास लेयर है वो भी क्या हो जाएगी ऊपर की तरफ, और जबकि यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड जो है वो क्या हो जाएगा डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड जो है वो फिल हो जाएगा, और ये जो हमारे पास यहाँ पर मटेरियल होगा उसे हम क्या कहेंगे मटेरियल पेलुसिडा, ठीक है, और ये एरिया हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ट्रांसलूसेंट एरिया है, ये हमारे पास क्या ट्रांसलूसेंट एरिया है शफाफ है। इसके अलावा हम कहते हैं जो हमारे पास सेल जो है वो साइड पे मौजूद थे, कुछ सेल जो थे वो योक के साथ अटैच थे, ठीक है, इसके अलावा कुछ सेल जो थे वो साइड पे हमारे पास क्या थे योक से अनडिटैच थे, अब वो क्या करेंगे यहाँ पर भी हमारे पास जो अनडिटैच सेल्स हैं जिसको हम कह रहे हैं कि वो सेपरेट हैं वो हमारे पास बना देंगे एरिया ओपेका, दे मेक एरिया ओपेका जिसको हम कहते जी एग वाइट। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो इसके अंदर मजीद मैकेनिज्म जो हमारे पास बाकी रहते हैं तो उनको हम स्टडी करेंगे। आज हमने गैस्ट्रोलेशन तक जो स्टेजेस हैं वो हमने स्टडी कर ली हैं, जिसके अंदर जो अटैच सेल थे योक के साथ वो हमारे पास
क्या बन गया था, उधर हमारे पास मटेरियल पेलोसिडा बन गया था, जबकि जो अनडिटैच सेल थे वहां पर हमारे पास एरिया ओपेका जो है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास मटेरियल कलर क्या होगा, व्हाइट होगा, और वो लाइट को ट्रांसमिट करेगा। सो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह।